हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडी आंस हब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के पार्ट 4 वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। आज हम बात करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिज्म के कुछ डिफरेंट वर्जन्स के बारे में, जैसे एंग्लो अमेरिकन वर्जन और इंग्लिश वर्जन। फ्रेंच वर्जन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी आज हमारे बातचीत का मेन फोकस जो है एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म और ब्रिटिश फेमिनिज्म, ठीक है। देखिए क्या है कि एंग्लो अमेरिकन की जब हम बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो का मतलब इंग्लिश और अमेरिकन का मतलब तो अमेरिकन होता ही है। यानी ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों को मिला करके या इंग्लिश और अमेरिकन दोनों को मिला करके एक कैटेगरी बना दी गई है एंग्लो अमेरिकन। इसकी ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ी, ऐसा क्यों किया गया है, क्या ये सही है या अमेरिकन अलग होना चाहिए और इंग्लिश फेमिनिज्म अलग होना चाहिए, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं उनमें, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर कुछ जो फेमस राइटर्स हैं फेमिनिज्म के, उन्होंने अपनी किताबों में इंग्लिश फेमिनिज्म जैसा कुछ यूज़ नहीं किया है, उन्होंने दोनों को एक में समेट करके एंग्लो अमेरिकन कर दिया है। पीटर बैरी जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक़ नहीं रखते, उनको लगता है कि इंग्लिश फेमिनिज्म अलग है तो उसकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि उसको डिफरेंट बनाते हैं। तो क्या हैं वो बातें, उस पर बात करेंगे। एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म has tended to be more skeptical about recent critical theory. ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म है वो रिसेंट क्रिटिकल थियरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको लेकर के बहुत रेशनल है, उसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चन करती है। कौन? एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म, मतलब वो क्रिटिकल थियोरीज को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये नॉन थियोरेटिकल ग्रुप है, ठीक है, एंड मोर कॉशियस इन यूजिंग इट। इसलिए ये लोग क्रिटिकल थियोरी का यूज़ बहुत सावधानी से करते हैं देन हैव फ्रेंच फेमिनिस्ट्स। और जबकि जो फ्रेंच फेमिनिस्ट्स हैं, जो फ्रेंच फेमिनिज्म वाले लोग हैं, हु हैव एडॉप्टेड एंड अडेप्टेड अ ग्रेट डील ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। जबकि अगर हम फ्रेंच फेमिनिस्ट्स की बात करें तो उन लोगों का मेन फोकस ही थियरी है, उसमें साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म मेनली है उनका फोकस। यानी उनका पूरा इंक्लिनेशन जो है, उनका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो थियोरेटिकल है, चाहे वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो चाहे वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म हो। किसकी बात हो रही है? फ्रेंच की। इन्होंने उन थियोरीज को ही एडॉप्ट किया और उसी को अडेप्ट किया। एडॉप्ट का मतलब स्वीकार कर लिया और एडेप्ट का मतलब अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर लिए, ठीक है। द एंग्लो अमेरिकन्स, नॉट ऑल आर इंग्लिश और अमेरिकन। देखिए क्योंकि ये एक कैटेगरी है, ये एक फेमिनिज्म, एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाले लोगों की एक कैटेगरी है, इसको नाम दे दिया गया एंग्लो अमेरिकन। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जितने लोग हैं या तो वो अमेरिका से हों या तो वो इंग्लैंड से हों, ये आवश्यक नहीं है। मेंटेन अ मेजर इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स लाइक थीम, मोटिफ, MOTIF, छिप गया है, दिख नहीं रहा है,
and characterization. क्या कह रहा है, जो एंग्लो अमेरिकन्स हैं इनका जो मेजर इंटरेस्ट है, जो मेन इनकी रुचि है, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में है, ना कि थियोरी में. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स कैसे, जैसे थीम हो गई, मोटिव हो गया, MOTIF. देखिए मोटिव जो होता है MOTIVE, उसका मतलब होता है ना कि जैसे कहते हैं कि तुम्हारा ये काम करने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है. यहाँ पर मोटिव वो नहीं है, यहाँ पर MOTIF है. मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो बार बार रेकर करता है, बार बार आता है, बार बार आता है, उसको मोटिव कहा जाता है. यानी मेन चीज़ क्या होती है फोकस में, ठीक है. जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर नॉवल में आप देखते हैं किसी दूसरे राइटर के, चाहे वो ड्रामा कोई ड्रामेटिस्ट हो या कोई पोइट हो, उसकी एक पर्टिकुलर लाइन वो बार बार आएगी, उसमें उसका बार बार यूज़ मिलेगा आपको, तो वो मोटिव होता है, ठीक है. एंड कैरेक्टराइजेशन, और कैरेक्टराइजेशन यानी जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं उनका मेन फोकस इन चीज़ों पर होता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स पर होता है. थीम हो गई, मोटिव हो गया और कैरेक्टराइजेशन हो गया. और इस तरह से दे सीम टू एक्सेप्ट द कन्वेंशंस ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, और इस तरह से ऐसा लगता है कि वो लिटरेरी रियलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं. लिटरेरी रियलिज्म का मतलब ये होता है कि लिटरेचर में जो कुछ भी डिपिक्टेड है उसका रियलिटी से नाता है, यानी लिटरेचर को देख करके हम रियलिटी को परसीव कर सकते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को देख समझ सकते हैं. जो कहा जाता है ना, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी जो चीज़ सोसाइटी में है उसी चीज़ को हम लिटरेचर में देखते हैं, तो लिटरेरी रियलिज्म इसी बात को मानता है. तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं वो लिटरेरी रियलिज्म की कन्वेंशंस को एक्सेप्ट करते हैं. कन्वेंशन, यू अंडरस्टैंड, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए जो तमाम तरह के कुछ कायदे कानून समझे जाते हैं, जाने जाते हैं लोगों के द्वारा लंबे समय तक, वो हो जाता है कन्वेंशन. एंड ट्रीट लिटरेचर as a series of representation of women's lives and experience. और उनको लगता है कि जो लिटरेचर है वो क्या है, उसको वो ट्रीट करते हैं एक सीरीज़ के बतौर, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें औरतों की ज़िंदगी और उनके अनुभव को रिकॉर्ड किया गया है. मतलब लिटरेचर में जो भी चीज़ डिपिक्टेड है उससे औरतों के अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस को देखा और समझा जाना जा सकता है, ऐसा उनका मानना है. विच कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड अगेंस्ट रियलिटी, और वो जो चीज़ है, मतलब जो डिपिक्टेड है तमाम लिटरेरी वर्क्स में औरतों की ज़िंदगी, उनके एक्सपीरियंसेस, और जो रियलिटी है उसमें क्या कुछ डिफरेंस है, उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, या क्या कुछ समानताएं हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लिटरेचर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, या सोसाइटी की क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लिटरेचर में देखते हैं. मतलब ये हुआ, जैसे मूवीज़ की हम बात करें तो देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है ये मूवी तो वही कह रही है, वही दिखा रही है जो कि हमारे सोसाइटी में हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी प्रभावित कर रही है मूवीज़ के कंटेंट को. लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी होता है, समटाइम्स कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं कि उनको देखने के बाद सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो इस तरह से मूवी भी सोसाइटी को प्रभावित करती है. तो ये जो एक इंटर रिलेशन है लिटरेचर का, रियलिटी से, रियलिटी से लिटरेचर का, इसकी तस्दीक करते हैं, इसको कन्फर्म करते हैं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट्स, करते हैं या करती हैं जो भी. दे सी द क्लोज रीडिंग एंड एक्सप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेरी टेक्स्ट्स एज द मेजर बिजनेस ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. उनके हिसाब से
जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मेन बिजनेस होना चाहिए, जो मेन काम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? क्लोज रीडिंग. किस चीज़ की? टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग और एक्सप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेरी टेक्स्ट. अलग अलग जो लिटरेरी टेक्स्ट है, यानी इनके फोकस में टेक्स्ट होता है, यानी जो कुछ लिखा गया है वो इनके फोकस में होता है, उसकी क्लोज रीडिंग इनके फोकस में होती है, तभी तो वो थीम की बात कर पाएंगे, कैरेक्टराइजेशन की बात कर पाएंगे. कैरेक्टराइजेशन का मतलब देखेंगे कि उसमें किसी औरत को कैसे डिपिक्ट किया गया, किसी आदमी को कैसे डिपिक्ट किया गया है, औरत को कैसे टिपिकल बनाया गया है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस उससे रखी जाती है सोसाइटी के द्वारा या पर्टिकुलर लेखक के द्वारा, है ना, कैसे उनको जनरलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें. जनरली दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हैज़ अ गुड डील इन कॉमन विद द प्रोसीजर्स एंड अजम्पशंस ऑफ द लिबरल ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर. क्या कह रहा है? अगर हम बात करें लिबरल ह्यूमनिस्ट अप्रोच लिटरेचर का, जो लिबरल ह्यूमनिस्ट अप्रोच है उससे इसके प्रोसीजर और एजम्पशंस मिलते जुलते हैं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म के. ऑल्दो फेमिनिस्ट्स ऑल्सो प्लेस कंसिडरेबल इम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एंड नॉन लिटरेरी मटेरियल इन अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी टेक्स्ट. कह रहा है कि ये बात अलग है कि जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं उन वो इस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस करती हैं, उनका इस चीज़ पर भी ज़्यादा इम्फेसिस होता है कि वो किसी लिटरेरी टेक्स्ट को समझने के लिए हिस्टोरिकल डेटा का भी यूज़ करें और नॉन लिटरेरी मटेरियल का भी यूज़ करें. ये नॉन लिटरेरी मटेरियल क्या होता है? इसके अंडर में जैसे डायरीज़ हो जाएंगी, मेमोआर, MEMOIR, इसको मेमोआर पढ़ा जाता है, मेमोआर नहीं पढ़ा जाता. मेमोआर्स एंड सोशल एंड मेडिकल हिस्ट्री. देखिए ये चीज़ें लिबरल ह्यूमनिस्ट नहीं करते, लेकिन जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं वो किसी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए वो हिस्टोरिकल डेटा का भी यूज़ करेंगे, यानी हिस्ट्री का भी, और नॉन लिटरेरी मटेरियल का भी, यानी जैसे डायरी किसी की लिखी हो गई, मेमोआर जैसे सोशल एंड मेडिकल हिस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी इनके फोकस का हिस्सा होती हैं. डायरीज जैसे देखिए, डायरी जो है उसको नॉन लिटरेरी टेक्स्ट माना जाता है. जैसे एनी फ्रैंक की डायरी बड़ी फेमस है. एनी फ्रैंक की डायरी आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नाज़िज़्म कितना प्रबल था जर्मनी में, किस तरह से चीज़ें थी, कैसे लोग परेशान थे, कैसे लोग अपने घरों में कैद रहा करते थे, जैसे आज की स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व की, है ना. तो डायरीज़ भी बहुत कुछ बताती हैं, तो उनका भी यूज़ करती हैं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट्स. और अब जब बात इतनी कर ही लिए, कुछ जान लिए कि एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज़्म क्या के कुछ क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं क्या हैं, तो ये भी जान लें कि इसमें बड़े बड़े जो नाम हैं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज़्म से जुड़े हुए वो कौन कौन से हैं. तो एक बड़ा नाम जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं वो है एलन शोवाल्टर का, है ना. द अमेरिकन क्रिटिक एलन शोवाल्टर इज़ यूजुअली टेकन एज द मेजर रिप्रेजेंटेटिव of this approach. यानी एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज़्म की जो लीडर कह लीजिए, जो मेन फिगर हैं, वो हैं एलन शोवाल्टर, ELAIN SHOALTER. अदर्स आर सुजैन गुबैर, SUSAN GUBAR, पैट्रिशिया स्टब्स, PATRICIA, पैट्रिशिया स्टब्स, STUBBS, एंड रशेल ब्राउनस्टाइन, रशेल RACHEL BROWNSTEIN. सुजैन गुबैर, पैट्रिशिया स्टब्स एंड रशेल ब्राउनस्टाइन, ये लोग भी एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज़्म से जुड़ी हुई मेन फिगर्स हैं एलन शोवाल्टर के अलावा, एग्जेम्पलरी फिगर्स. तो
लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि ये जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म जो टैग है इसका, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे जो लोग हैं सारे के सारे या तो अमेरिका या इंग्लैंड के होंगे ही। उसमें भी आप ज़्यादातर देखेंगे इसमें अमेरिका वाले ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक। लेकिन बात वही है कि भाई क्यों इंग्लिश फेमिनिज्म को भी उसमें क्यों इंक्लूड किया गया? क्या इंग्लिश फेमिनिज्म में कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं? तो पीटर पैरी कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश फेमिनिज्म एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इंग्लिश फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन। बोल रहे हैं कि इंग्लिश फेमिनिज्म अमेरिकन फेमिनिज्म से अलग है। इट टेंड्स टू बी सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। बल्कि कह लीजिए कि जो इंग्लिश फेमिनिज्म है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, जो एंग्लो अमेरिकन है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट नहीं होता है। कैसे? इन ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, अलाइंड विद कल्चरल मैटेरियलिज्म और मार्क्सिज्म। और ये जो है इंग्लिश फेमिनिज्म, इसका जो अलाइनमेंट है, इसका जो इंक्लिनेशन है, जो इसका ओरिएंटेशन है वो मार्क्सिज्म की तरफ जाता है, उसमें भी स्पेशली कल्चरल मैटेरियलिज्म, जिसकी बात रेमंड विलियम्स करते हैं। रेमंड विलियम्स का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यानी ये रेमंड विलियम्स से प्रभावित नज़र आती हैं इंग्लिश फेमिनिस्ट, मार्क्सिज्म से, कल्चरल मैटेरियलिज्म से। सो दैट इट इज़ ऑब्वियसली अनसेटिस्फैक्ट्री टू ट्राई टू एसिमिलेट इट इनटू नॉन थियोरेटिकल कैटेगरी, यानी एंग्लो अमेरिकन। अब चूंकि जैसे ही हम इंग्लिश फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसका सीधा सीधा जो है इस पर प्रभाव मार्क्सिज्म का है, कल्चरल मैटेरियलिज्म का है, ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन पर तो थियोरी का असर है, तो ये तो थियोरेटिकल ग्रुप हो गया। तो कैसे इसको हम नॉन थियोरेटिकल ग्रुप में, यानी नॉन थियोरेटिकल का जैसे एंग्लो अमेरिकन ग्रुप में हम कैसे इसको रख सकते हैं? तो कह रहा है उसको इसमें एसिमिलेट करना सही नहीं लगता। लेकिन क्यों ऐसा है, क्यों रखा जाता है, क्यों लोग एंग्लो अमेरिकन को साथ में रख के बात करते हैं? सर्टेन पॉपुलर बुक्स समराइजिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डू नॉट डिस्कस इट एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। मेन कारण ये है, कुछ पॉपुलर बुक्स जो फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं, वो इसको एक अलग कैटेगरी में नहीं रखते। कौन है वो बुक्स? जैसे के के रुथवेन RUTHVEN रुथवेन्स फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडीज एंड इंट्रोडक्शन, ये बुक का नाम है फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडीज एंड इंट्रोडक्शन। किसने लिखा है? के रुथवेन ने। उसके अलावा टोरिल मोई TORILMOI टोरिल मोई की बुक है सेक्सुअल ऑब्लिक टेक्सुअल पॉलिटिक्स, यानी सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स टोरिल मोइल की। ये दो किताबें स्पेशली जिसको मेंशन किया है पीटर बैरी ने, इन किताबों ने अलग से कैटेगराइज नहीं किया है इंग्लिश फेमिनिज्म को, साथ में ही इंक्लूड कर दिया है और उसका नाम एंग्लो अमेरिकन रखा है, एंग्लो अमेरिकन यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन कैथरीन बेल्जी CATHERINE कैथरीन बेल्जी BELSEY इनकी कुछ किताबें हैं जैसे सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी 1985 में पब्लिश हुई, और जॉन मिल्टन की दूसरी जो बुक है उसका नाम ही है जॉन मिल्टन लैंग्वेज जेंडर एंड पावर 1988 में पब्लिश हुई। ये दो किताबें जो हैं आर पार्ट ऑफ दिस सेम सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ब्रिटिश ट्रेडिशन। तो इस तरह से ये जो किताबें हैं ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ब्रिटिश ट्रेडिशन की हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बात ब्रिटिश फेमिनिज्म यानी इंग्लिश फेमिनिज्म की करती हैं ये किताबें बातें, ठीक है। वाइल द डेफिनेटिव वर्क्स इन द सो कॉल्ड एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन
अपीयर्ड इन द लेट 1970s। अब देखिए एक और क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस जो है जिसकी बात पीटर बैरी कर रहे हैं कि एंग्लो अमेरिकन और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट या ब्रिटिश फेमिनिज्म कि जो क्रोनोलॉजी है उसमें भी डिफरेंस आपको मिलेगा। कह रहा है कि डेफिनेटिव वर्क्स इन द सो कॉल्ड, देखिए यानी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए सो कॉल्ड का यूज़ कर रहे हैं। एंग्लो अमेरिकन कह रहे कि एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन की जो शुरुआत है वो लेट 1970s में हुई। लेट 1970s का मतलब 1975 के बाद है ना। द ब्रिटिश सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ट्रेडिशन प्रोड्यूस्ड इट्स की वर्क्स इन द मिड 1980s एंड रिमेंस एक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। तो जो एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन है कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1970s यानी 1975 के लगभग हुई और कुछ सालों तक चली, जबकि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है कह रहा है उसकी जो मेन वर्क्स हैं उसके मेन वर्क्स वो मिड 1980s से शुरू हुए। मिड 1980s का मतलब ऑब्वियस है वही 65 के बाद और 1980s का मतलब हुआ 1975 के बाद। तो 1975 के बाद ब्रिटिश फेमिनिज्म शुरू हुआ और 1965 के बाद जो है ये एंग्लो अमेरिकन शुरू हुआ। तो अंतर यही है कि एंग्लो अमेरिकन कुछ सालों तक रहा और जबकि जो ब्रिटिश फेमिनिज्म है कह रहा है ये इसका इन्फ्लुएंस बाद में कई सालों तक रहा, रिमेंस इन्फ्लुएंशियल कह रहा है वो है ही, मतलब तब से वो इन्फ्लुएंशियल है यानी ऑब्वियस है, वो थियोरेटिकल है। अब भाई जब तक मार्क्सिज्म रहेगा, जब तक मार्क्सिज्म की बात करेंगे तो फेमिनिज्म में हम ब्रिटिश फेमिनिज्म की बात करेंगे ही कि कैसे एक अलग कैटेगराइजेशन है, कैसे एक अलग वर्जन है फेमिनिज्म का जो कि मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड दिखता है, वो है इंग्लिश फेमिनिज्म। तो ये कुछ बातें रहीं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म की और इंग्लिश या ब्रिटिश फेमिनिज्म की। एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म नॉन थियोरेटिकल है, उसका मेन फोकस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, लिबरल ह्यूमनिज्म से वो ज़्यादा मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें थोड़ी अलग हैं उससे। जबकि जो इंग्लिश फेमिनिज्म है वो ब्रिटिश इंग्लिश फेमिनिज्म या ब्रिटिश फेमिनिज्म है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है और वो मार्क्सिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म से ज़्यादा इत्तेफाक रखता है उससे ज़्यादा प्रभावित दिखता है। ठीक है, तो आज इन दो वर्जन्स की बात हम किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच फेमिनिज्म की और देखेंगे कि कैसे फ्रेंच फेमिनिज्म पूरी तरह से नज़र आता है कि वो कैसे थियरी से प्रभावित है, कैसे साइकोएनालिटिक थियरी और कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से प्रभावित है। जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो उसमें हमें बात दरिदा की करनी होगी, लाकां की करनी होगी, मिशेल फुको की करनी होगी। ठीक है, और ऑब्वियस है साइकोएनालिटिक आ गया उसमें, साइकोएनालिसिस जो है ऑब्वियसली उसके जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, लेकिन एक बड़े फॉलोअर हैं फ्रायड के लाकां। तो लाकां और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम बात करते हैं तो उसमें नाम तो आता है, दरिदा का नाम आता है उसमें, उसमें नाम मिशेल फुको का आता है, उसमें नाम बार्थ का आता है, रोला बार्थ का आता है। तो उनका क्या प्रभाव है फ्रेंच फेमिनिज्म पर उसकी बात हम करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें जो कुछ मेन नाम हैं, कुछ जो मेन फिगर्स हैं फुर्सत में, उनको थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिए, थोड़ा विकिपीडिया से उनके बारे में पढ़िए, सो दैट केवल थियरी ही मत जानिए, ये भी तो देखिए कि जो मेन फेमिनिस्ट रही हैं, जैसे हम साइमन डी बोवा की बात करें या एलन श्वाल्टर की बात करें, तो इन लोगों की लाइफ कैसे रही है, क्या ये लोग कि बस थियरी में ही बात की हैं या इनके लाइफ में भी हमको फेमिनिज्म नज़र आता है, डू दे असर्ट डियर यू नो प्रजेंस इन सोशल एंड रियल लाइफ एज वेल, या बस थियरी तक ही सीमित हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, केवल थियरी पढ़ेंगे तो
लगेगा कि बस हवा में बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, तमाम तरह के प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं। जब आप उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑब्वियसली अपने लाइफ में भी ये लोग वैसी रही हैं, इनका ओरिएंटेशन, इनका अप्रोच वैसा रहा है। जैसे साइमन डी बोवा की अगर बात करें तो आपको जानकर खुशी होगी कि शी नेवर मैरिज। और हमारे यहाँ जो चीज़ें आज के समय में भी एक तरह से कह लीजिए कि अभी भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकती हैं, उनके लिए ये चीज़ें जो हैं 19th सेंचुरी में ही नॉर्मल रहा करती थी। दे यूज़ टू लिव इन पार्टनरशिप। तो उनकी फेमस जो एक कह लीजिए कि साइमन डी बोवा, शी लिव नियरली फॉर आई थिंक 50 ईयर्स विद दैट ग्रेट नोबल लॉरेट जियां पॉल सार्त्र, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब पढ़ेंगे तो विकिपीडिया कैन बी ए गुड सोर्स जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। और इन राइटर्स, इन फेमिनिस्ट्स या कोई भी फेमस क्रिटिक या थियरिस्ट है उसके थोड़ा करीब ले जाएगा आपको, सो दैट यू विल फील एक्वेंटेड विद देम। ऐसा नहीं लगेगा कि बस हवा में बातें हो रही हैं, ऐसा लगेगा कि किसी ऐसे इंसान के बारे में बातें की जा रही है, किसी ऐसे इंसान की कही गई बातों के बारे में बातें की जा रही हैं जिसके बारे में आप थोड़ा कुछ जानते हैं। जैसे मिशेल फुको की बात करें, हम लोग बात करेंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो में। मिशेल फुको द पर्सन, द ग्रेट पर्सनैलिटी, बट ही वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी अनफॉर्चुनेटली हु डाइड ऑफ एड्स। फ्रांस में एड्स से मरने वाले पहले सेलिब्रिटी थे वो, मिशेल फुको। तो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं जो कि बड़ी शॉकिंग भी लगेंगी आपको और बड़ी अजीबोगरीब भी लगेंगी, लेकिन जानेंगे तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा जुड़ा महसूस करेंगे उन लोगों से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।